सो इस बार कुछ ट्रेजिक इवेंट्स भी हुए हैं, बहुत सारे हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं। A 19-year-old Walmart employee died on shift over the weekend. Infrastructure was not ready to intake 500,000 immigrants every year. We will reduce the number of immigrants we bring in. This is a new series जहाँ पे हम last few weeks में कनाडा में क्या latest हुआ है, क्या events हुए हैं। So इस बार कुछ tragic events भी हुए हैं। A 19-year-old Walmart employee died on shift over the weekend. और बहुत बड़े-बड़े updates भी हैं related to immigration. We will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years. So पूरे video में back to back सारे updates के बारे में बात करते हैं। एक बहुत बड़ी news highlight हुई है कि जो Brampton के mayor हैं Patrick Brown, उन्होंने ये claim करा है कि जो Brampton के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ हाई रेंट, लेबर कंडीशंस बहुत बैड हैं, लेबर वर्क बहुत ज्यादा कराया जा रहा है, कैश जॉब्स करवाई जा रही हैं, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ओवर प्राइस रेंट उनसे लिया जा रहा है, फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, इनफैक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक क्लेम करा है। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है फेडरल गवर्नमेंट को कि इसके अराउंड कोई स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएं। Durham Regional Police have announced the results of a major drug and human trafficking investigation. More than 100 charges have been laid against more than 90 suspects so that vulnerable student jo hai unka misuse na kiya ja sake. So ye announcement ek nation wide mudda ban chuka hai jis pe sab log baat kar rahe hain ki jo student yahan pe padhai ke liye aaye hain, apne future ke liye aaye hain, unko wo aise exploit kiya ja raha hai. So iske around kuch rules and regulations hone chahiye. Isi se related next news hai, that is about the immigration plan for Canada from 2025 to 2027. Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years. हर 4-5 साल का प्लान बढ़ता है इमिग्रेशन का। पिछली बार प्लान जो बना था 2022 के आसपास, उसमें बताया गया था कि हर साल 500,000 इमिग्रेंट्स इनवाइट करने हैं कनाडा में। सो अब इलेक्शंस हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ड्रास्टिक चेंजेस ले रही है, ड्रास्टिक मेजर ले रही है, उनमें से एक ये भी है, न्यू प्लान लाया गया है जिसमें ये बोला गया है कि इंस्टेड ऑफ 500,000 इमिग्रेंट्स वी विल इन्वाइट 425,000 इमिग्रेंट्स एवरी ईयर। सो ये 15% से रिड्यूस किया जा रहा है इमिग्रेंट्स को जो बुलाने का नंबर है, एंड बोला जा रहा है कि ये लेबर मार्केट और शॉर्टेज को, जॉब मार्केट और हाउसिंग को रिलेके ये डिसीजन लिए जा रहे हैं सो दैट इट कैन बी इम्प्रूव। तो पहले बहुत इमिग्रेंट्स को इन्वाइट किया गया, प्लान यही था कि 500,000 इमिग्रेंट्स हर साल आए। सो पास में जो भी हुआ इतने सालों में गवर्नमेंट के डिसीजन की वजह से, उससे हेल्थ केयर पे बहुत इम्पैक्ट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैनेडा के बहुत इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट रेडी टू इनटेक 500,000 इमिग्रेंट्स एवरी ईयर। तो ये एक रिएक्टिव मेजर लिया जा रहा है, प्रोएक्टिव नहीं है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर पहले प्लान करना चाहिए था एंड फिर इमिग्रेंट बुलाने चाहिए थे, अब इमिग्रेंट को बुला के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचा जा रहा है। तो बहुत लोग ये अज्यूम कर रहे हैं ऑल दीज डिसीजन आर बीइंग मेड ओनली टू गेट वोट्स इन नेक्स्ट ईयर इलेक्शन। बोला जा रहा है ये कनाडा की ग्रोथ के लिए है, बट यू नो कि कनाडा नीड्स इमिग्रेंट्स, एक प्लान्ड वे में होना चाहिए। पहले बहुत ज्यादा बुला लिया, अब एकदम से रिड्यूस हो रहे हैं इमिग्रेंट्स नंबर। सो लेट्स सी नेक्स्ट ईयर वोट है, गवर्नमेंट कंजर्वेटिव्स की आती है, उनके क्या प्लान्स होते हैं इमिग्रेशन के, एंड अगर जस्टिन ट्रूडो की ही गवर्नमेंट रहती है तो वो कैसे प्लान को चेंज करते हैं, बिकॉज अभी सबको यही डाउट है कि दीज आर दी डिसीजंस बीन टेकन टू गेट मोर वोट्स। नेक्स्ट अपडेट इज फ्रॉम वैंकूवर, जहां पे बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो गई वैंकूवर आइलैंड में, इनफैक्ट 2 लोगों की डेथ भी हो गई, इतनी ज्यादा वहां पे फ्लडिंग हो गई थी, डेली लाइफ पूरी डिस्टर्ब्ड हो गई थी, रोड्स वर अंडर वाटर, बहुत सारे घरों को भी डैमेज हुआ है। एमरजेंसी सर्विसेज जो लोगों का वार्न कर रहे हैं कि फ्लड प्रोन एरिया से आप दूर रहो, और ये बोला जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रेडी टू टेक ऑन दैट काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। $1 billion स्टॉर्म मिटिगेशन एफर्ट्स, द रेन वाज टू मच टू हैंडल। और अगर आपने नोटिस किया हो तो थोड़े दिन पहले टोरंटो में भी ऐसी फ्लडिंग हुई थी बिकॉज ऑफ रेन, तब भी यही बोला गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रेडी टू टेक ऑन सो मच रेन, और ये 40 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। तो क्लाइमेट कंट्रोल को भी रीजन बताया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रीजन बताया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट में इस बारे में बात करेंगे कि कनाडा में बहुत सारे एंटी सिमिटिक अटैक्स बढ़ गए हैं। A country that prides itself on diversity and inclusion. Because you know कि कनाडा में हर कंट्री से लोग आते हैं, so कनाडा के बाहर किसी भी कंट्री में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा विजिबल होता है। सो अभी जो भी इसराइल और हमास के बीच में चल रहा है, बहुत सारे इसराइलीज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनकी शॉप्स डैमेज की जा रही हैं, उनके बिजनेसेस पे इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत सारे हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, हेट स्पीच के केसेस आ रहे हैं अगेंस्ट द ज्यूइश कम्युनिटी। Save our you turn aside. Stop supporting terrorism now.
पुलिस एंड सिक्योरिटी टीम्स आर ऑन अलर्ट. जो भी ज्यूइश सेंटर्स हैं उनके बाहर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कर दी गई है. एंड जो भी लीडर्स हैं वो सबको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि कम टुगेदर टू स्टॉप दिस हेट. सो ये बोला जाता है कि कनाडा इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है, बहुत लोग यहाँ पे इमिग्रेट करते हैं, हर कंट्री से लोग आते हैं, बहुत ये प्रो बोला जाता है. बट इसका ये एक अदर साइड ऑफ द कॉइन भी है, एक कॉन भी है कि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर कंट्री के लोग हैं, बैक होम जो भी कुछ उस कंट्री में होता है वो यहाँ पे विजिबल होता है और उसका कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और नेगेटिव इंपैक्ट भी हो जाता है. एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. सो हम इलेक्शन की बात की है तो एक और बहुत बड़ा अपडेट है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, जिन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.5 बेसिस से कम किया है. विच मीन्स अगर पहले इंटरेस्ट रेट 6% था तो अब 5.5% रह गया. सो पहले इंटरेस्ट रेट जो भी था 3.75 हो गया है, विच इज लेस एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. बैंक ऑफ कनाडा, द बैंक हैज जस्ट अनाउंस्ड दैट दे आर कटिंग द इंटरेस्ट रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स. और ये डिसीजन लिया जा रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं. बिकॉज यू नो कि यूएस से रिलेटेड होता है जितनी भी पॉलिसीज होती है कनाडा की. यूएस ने भी 0.5% इंटरेस्ट रेट अपना रिड्यूस किया था एंड देयर वर एंटिसिपेशन कि कनाडा भी सेम फॉलो करेगी. दूसरा रीजन ये है कि इन्फ्लेशन के जो नंबर आए थे 1.6% आए थे, बहुत ज्यादा कम. उसका रीजन क्या है वो डिटेल में कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो गवर्नमेंट हैड टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट. थर्ड रीजन इज बहुत सारे जॉब लॉस जो है वो बढ़ गए हैं. सो बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए भी ये एक स्टेप लिया जा रहा है. एंड लास्ट रीजन इज टू बूस्ट द हाउसिंग मार्केट. हाउसिंग मार्केट स्लो है, उसको भी बूस्ट करने के लिए ये डिसीजन लिया जा रहा है. सो बहुत सारे इसमें रीजंस हैं. दिसंबर में एक और रेट कट है 11 दिसंबर को. Everyone is expecting कि 0.25 दोबारा हो सकता है. If that happens, obviously it will boost the real estate market little bit. So stay updated on that. Next जो update है, that is very tragic. My heart was broken जब मैंने ये news सुनी थी. So Halifax में 19th year की एक international student थी जो 2-3 साल पहले ही Canada आई थी. उनका incident हुआ है कि वो एक walk-in oven में dead मिले हैं Walmart store के अंदर. उनकी mother वहाँ पे job करती थी and बहुत सारे इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बोली जा रही हैं कि वॉक इन अवन जो है वो अंदर से बंद नहीं कर सकते. आप अंदर से खोल सकते हो, अगर ऑन हो भी गया, अगर कोई उस वॉकिंग अवन में अंदर क्लीनिंग करने भी गया है वो अंदर से ओपन कर सकते हैं. सो पहली बात तो वो ऑन क्यों था, वो अंदर कैसे गए, बाहर से लॉक कैसे हुआ, ऑन किसने कर दिया. सो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है. When you open too hard, when you get something out of the oven, let's see what happens. There is no way that this girl locked herself into one of these ovens while cleaning it. No way possible. सारी पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है. बट दिस इज वेरी ट्रेजिक. इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे. एक पिछली अपडेट में भी आपको बताया था कि अल्बर्टा में टिम हॉर्टन्स में एक इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, उनको स्टैप करके मार दिया गया था. सो लिंक किया जा रहा है. बट वॉलमार्ट स्टोर में जो कैमराज थे वो फुटेज पुलिस को नहीं दी गई है. ये बोला जा रहा है कि कैमराज वर नॉट वर्किंग. सो और ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है. ये फाउल प्ले है, किसी ने डेलिबरेटली ये किया है, या अवन में कोई मैलफंक्शन था. सो अभी हैलिफैक्स की जो अथॉरिटीज है उन्होंने बेकरी बंद कर दी है एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन. सो बहुत ज्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट है. इसको लिंक भी किया जा रहा है हेट क्राइम से. बट इवेंचुअली जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब ये सब कुछ एक्चुअल में पता चलेगा क्या रीजन था, मे बी दे विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दी कैमरा फुटेज, आई डोंट नो. बट ये ऐसे इंसिडेंट्स लास्ट 1-2 मंथ्स में बहुत ज्यादा हो रहे हैं. आई होप कि अगर ये डेलिबरेटली किसी ने किया है सो जस्टिस जरूर मिले एंड जो इन्वेस्टिगेशन हो वो बहुत सीरियस तरीके से करें. Because she was part of a Sikh group as well in Halifax, so वो भी बहुत ज़्यादा force कर रहे हैं कि serious investigation होनी चाहिए and they should find out who has done that and who is at fault. Is it Walmart? Is it someone else who has deliberately done that? So that ऐसे incident थोड़े कम हो, because last few months में बहुत ज़्यादा ऐसे incidents सुनने में आ रहे हैं. So this is very heartbreaking, very tragic incident. कैसे अगर आप Canada में हो, कैसे अपने आप को save करना है वो सब इस video में बात नहीं करेंगे. बट अभी आप कनाडा में हो तो थोड़ा अपने सराउंडिंग्स के अवेयर रहो, थोड़ा ध्यान रखो अपना. एंड आई होप इस पे कुछ सीरियस इन्वेस्टिगेशन हो एंड हमें रिजल्ट पता चले. आई विल बी एबल टू शेयर दैट. सो कमेंट डाउन बिलो आपका क्या कहना है इन सब न्यूज के बारे में. एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.